जी मैं बताता हूँ राजीव जी कि ये घेरने की कोशिश क्यों हो रही है, और पहले जरा हम लोग समझें कि ये मोहब्बत की दुकान का मतलब क्या है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान और ये चल रहा है, और अब अमेरिका में भी मोहब्बत की दुकान खुल रही है, कर्नाटका में खुल गई, तो इसका इसका मायने क्या है? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी की लड़ाई से निकला हुआ भारत एक आदर्शवाद से निकला हुआ एक मूवमेंट, और उससे भारत, नए भारत की स्थापना हुई। उसमें तमाम आदर्शवाद थे, वो आदर्शवाद चले, हमारी आपकी पीढ़ी तक भी चले, और क्योंकि हमारे पास रेफरेंस था, हमारे घरों में वो लोग थे जो जिन्होंने गांधी नेहरू सुभाष को किसी को देखा था, आज़ादी की लड़ाई देखी थी, भारत को आज़ाद होते हुए देखा था। वो आइडियलिज्म धीमे धीमे घुलता गया, डाइल्यूट होता गया, और आर्थिक नई आर्थिक नीतियों के बाद तो बहुत तेजी से हुआ। तो जब आप कांग्रेस में या विपक्षी पार्टियों में सुनते हैं या मीडिया में कि साहब राहुल गांधी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन नहीं है, बड़े आइडियलिस्ट हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन अमित शाह हैं, कि सरकार ना भी आए तो भी सरकार बना लो खींचतान के, एमएलए को खरीद के। ये जो भारत की राजनीति में एक दूषण प्रदूषण प्रदूषण आया, वो भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा है। देखिए, अब जहाँ पे भारत आ गया है, जो आर्थिक स्थिति है, जो इतना बड़ा युवा है, इतना हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं और लोग पढ़कर आ रहे हैं, अब अगला भारत आइडियलिज्म से निकलेगा। अब अगला भारत तीन तिकड़म से नहीं निकलेगा, इनोवेशन से निकलेगा। क्यों अमेरिका में गूगल का आविष्कार होता है, क्यों अमेरिका में ट्विटर और फेसबुक बनता है, हमारे यहाँ इतने IIT से क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि अमेरिका का या यूरोपियन देश, यूरोपीय कंट्रीज का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ की जनसंख्या का अभी भी आदर्शवादी है। आप देखिए, वहाँ क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण को लेकर कितनी जागरूकता है, महिला अधिकारों को लेकर कितनी जागरूकता है। तो ये आदर्शवाद पिछले कुछ 2-3 दशकों में हमारी राजनीति से, हमारी पब्लिक लाइफ से बाहर निकल गया। अब हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में हो, राजनीति में हो या राजनीति के बाहर हो, उसको आगे बढ़ने की ललक है, कैसे भी भौतिक संसाधन जुटाने की ललक है। आवश्यकता ना भी हो तो भी 3 AC घर में ले आएगा, जितनी तनख्वाह है उससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी खरीदेगा, भले ही वो EMI देने में उसकी खाट खड़ी हो जाए। ये भारत के आइडियलिज्म को दूर करता है। आप देखिए, G23 कांग्रेस में क्या कहता था, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कीजिए। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को कर्नाटका ने नकार दिया। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी ने वहां पे विक्टिम कार्ड खेला, मुझे 91 बार गालियां दी गई, मुझे गाली दी जाती है, लोगों ने उस पर सहानुभूति नहीं जताई, लोगों ने आइडियल पॉलिटिक्स को चुना, जिसमें विकास है, जिसमें वादे हैं और गंभीर रूप से वादे हैं। तो ये जो हमारी राजनीति में एक एलिमेंट आया है, किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर देना, स्पिन कर देना, उसको घुमा देना, विधायक खरीद लेना, सरकारें गिरा देना, ये जो राजनीति में प्रदूषण आया है, उसके खिलाफ खड़ी होगी ये मोहब्बत की दुकान। तो मोहब्बत की दुकान के मतलब ये है कि राजनीति को वहां ले जाना है जहां भारत की आज़ादी के बाद जो आदर्शवाद था, जो आइडियलिज्म था, जिसकी भारत के संविधान में, संविधान के एक शब्द ने, प्रियम्बल में जिसको लिखा गया है, हम उससे दूर हो गए। तो ये तो है मोहब्बत की दुकान का मतलब। अब कौन लोग इसके खिलाफ हैं? जो लोग इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, जो सामाजिक एक रूपता के खिलाफ हैं, जो महिलाओं को, वंचित समाज को अधिकार देने के खिलाफ हैं,
जो तीन तिकड़म वाले लोग हैं कि दफ्तर में जाओ, फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर दो, अपना काम निकाल लो, रेलवे में रिजर्वेशन नहीं है, टीटी को 500 रुपये देकर सीट ले लो, ये जो हमारी दैनिक जीवन में ये जो तीन तिकड़म ने कब्जा कर लिया है और हम भले ही जितना भी पूजा पाठ नमाज और प्रेयर्स कर लें, लेकिन होता क्या है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कि जो शुचिता है, जो आदर्शवाद है, उसको हम भूल चुके हैं। और ये जो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है, ये उन्हीं ताकतों की है जो स्टेटस को के हैं, जो जुगाड़ पे विश्वास करते हैं, जो तीन तिकड़ों पे विश्वास करते हैं, जो काम चले कैसे भी चले उस पे विश्वास करते हैं। तो मोहब्बत की दूर से जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये सारे षड्यंत्र होंगे, हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के समाज की अब ज़रूरत है मोहब्बत की दुकान। और भारत के समाज की अगर ज़रूरत वो महसूस नहीं कर रहा है तो उनको महसूस करनी चाहिए, क्योंकि भारत अब भारत की आगे की प्रगति इनोवेशंस के सहारे होगी। अब भारत की अगली प्रगति आविष्कारों से होगी, नए आइडियाज से होगी, और नए आइडियाज आदर्श समाज पैदा करता है, यही मोहब्बत की दुकान पैदा करती है। राजीव जी, जी बिल्कुल, आदर्श, एक आदर्शवादी राजनीति की तरह। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है, यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी, यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए।